बायोसावर्ट स्लो की जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, मतलब बायोसावर्ट स्लो यूज करके हम एक और चीज कैलकुलेट करेंगे कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एक स्ट्रेट वायर होगा जिसमें करंट फ्लो होगा और उसके आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, बायोसावर्ट स्लो यूज़ करेंगे। प्रोसीजर वैसा ही रहेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफरेंट है, देखते हैं क्या चीज़ डिफरेंट रहेगी। ये एक वायर हमने कंसिडर कर लिया, ये इसका कुछ नाम रख देते हैं। सपोज करो ये वायर है एक्स वाई, तो ये कोई एक्स वाई वायर है और इसमें फ्लो होने वाला करंट है आई। इसके परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस के ऊपर, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस हमने ली है पॉइंट की, ये मान लो पॉइंट यहाँ पे है और ये डिस्टेंस कितनी है ए, तो इस वायर के परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। टारगेट समझ में आया, क्या दे रखा है, एक वायर दे रखा है जिसकी लेंथ क्या है एक्स वाई लेंथ का कोई वायर है जिसमें फ्लो होने वाला करंट है आई और इसके परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट पी है जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। अब अगर बायोसावर्ट स्लो आप यूज़ करोगे तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले क्या करना होता है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट हमको एज्यूम करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे, मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन इस वायर को इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट है एम पॉइंट बोल देते हैं इसको। तो इस एम पॉइंट से एल डिस्टेंस के ऊपर, कितना डिस्टेंस के ऊपर, एल डिस्टेंस के ऊपर हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट डी एल कंसिडर कर लिया। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना। मैंने क्या बोला कि जहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन इस वायर को इंटरसेक्ट करेगी, मतलब पॉइंट एम से एल डिस्टेंस के ऊपर आपको क्या करना है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट एज्यूम करना है। करंट एलिमेंट में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में हम करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। तो ये जो डी एल एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर किया, इस पर करंट की डायरेक्शन में हमने क्या किया, एक वेक्टर सिंबल लगा दिया। अब ये क्या बन गया, करंट एलिमेंट बन गया। और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, करंट की डायरेक्शन के अलोंग होती है। पहला काम पूरा हुआ, सबसे पहले क्या करना है, करंट एलिमेंट एज्यूम करना है। अब क्या करना है, इस एलिमेंट के सेंटर से उस पॉइंट की तरफ आपको एक पोजिशन वैक्टर ड्रॉ करना है। तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो उसकी तरफ क्या करेंगे, एक पोजीशन वेक्टर आर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया पोजीशन वेक्टर आर। ये वाली जो डिस्टेंस है ये आर की इक्वल है, और क्योंकि हमने डायरेक्शन भी यहाँ पे रिप्रेजेंट की है इसलिए इसको हमने आर वेक्टर बोला है। क्या है ये, पोजीशन वेक्टर, समझ में आया। अब ये वाला जो एंगल होता है इसको हम थीटा बोलते हैं, याद आया क्या, ये वाला एंगल कितना है थीटा। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन और जो पोजीशन वेक्टर है उनके बीच का एंगल होता है थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखेगा, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल मान लेते हैं फाई। तो फाई कितना होगा, अगर मैं थीटा की टर्म्स में उसको लिखूँ तो 90 माइनस थीटा, या थीटा कितना होगा फाई की टर्म्स में लिखें तो 90 माइनस फाई। क्यों, क्योंकि एक एंगल तो 90 हो गया और ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, तो इसका मतलब 90 तो ये हटा दो, बाकी 90 बचा, तो थीटा प्लस फाई मिला के कितना हुआ 90 डिग्री होगा। लिख लेते हैं एक बार, थीटा प्लस फाई, इसको यूज़ करेंगे बाद में, ये मिला के कितना होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब सोचो अगर मुझे इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग बायोसावर्ट्स लॉ, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, डी बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर आपको इस वायर की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन के लिए कुछ लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स क्यों, क्योंकि वायर इनफाइनेटली लॉन्ग नहीं है, यहाँ पे कोई फाइनाइट लेंथ का वायर है, एक्स से लेके वाई तक है। अगर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो अभी जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसमें हम फिर वैल्यूज पुट कर देंगे लास्ट में, कि इनफाइनाइट लेंथ का अगर वायर होता तो ये इसमें सिचुएशन बनती, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमें एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है कि अगर किसी फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है ना। तो फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए हमको ये बताना पड़ेगा कि वायर कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। या तो आप इसकी लेंथ बता दो, ठीक है, या फिर आप ये बताओ कि इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक ये वायर एक्सटेंडेड है, या ये बताओ कि इस एंगल से इस एंगल तक, मतलब मान लो आप ऑब्जर्वर बन के यहाँ पे खड़े हो गए, है ना, ये मान लो ऑब्जर्वर है तो ये देख रहा है इस वायर को,
तो इसको नीचे वाला जो सिरा होगा वायर का, है ना, ये वाला जो सिरा होगा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से किसी एंगल पे दिखेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल नीचे दिखेगा ऐसा कुछ, है ना। उस एंगल को एक नाम दे देते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये ऑब्जर्वर है यहाँ से देखेगा ये, तो इसको नीचे वाला सिरा कहाँ पे दिखेगा, तो इसको कुछ नाम देंगे। ये वाला जो एंगल यहाँ पे बना, मान लो ये वाला एंगल है फाई वन, समझ में आया क्या। और ऊपर कहाँ तक दिखेगा इसको वायर, तो ये ऊपर देखेगा तो इसको यहाँ तक, मतलब कितने एंगल तक, ये कोई फाई टू एंगल मान लो, हॉरिजॉन्टल से फाई टू एंगल तक इसको वायर एक्सटेंडेड दिखेगा। तो ये क्या कमेंट करेगा कि जो वायर है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो फाई वन से लेके फाई टू तक है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है कि डायरेक्शन का नहीं पता चल रहा कि फाइ वन हॉरिजॉन्टल से नीचे है या ऊपर है, इसलिए हम इन दोनों एंगल में से फाइ वन और फाइ टू में से एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव नाम देंगे। ये नीचे वाला जो एंगल है ना इसको हम नेगेटिव बोल देते हैं कि ये माइनस फाइ वन एंगल है और ये प्लस फाइ टू एंगल है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब इससे हमको ये आइडिया लगेगा कि जो वायर, जो पॉइंट है मतलब वायर के ऊपर, वो हॉरिजॉन्टल से एक तो क्या है नीचे, जिसको हमने माइनस फाइ वन एंगल पर बताया, और दूसरा कहाँ पर है फाइ टू एंगल पे है, ऊपर की तरफ है, जिसको हमने प्लस फाइ टू एंगल से रिप्रेजेंट किया है। तो ये प्लस माइनस का रीजन समझ में आया क्या, क्यों लगाया, बात समझ में आई क्या। प्लस माइनस का भाई हो सकता है ना कि वायर हॉरिजॉन्टल से, मतलब हो सकता है वायर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक होता तो पहला वाला एंगल फाइव वन होता और दूसरे वाला क्या होता फाइव टू होता, तब भी तो एंगल फाइव वन फाइव टू ही बनते। तब ये कैसे पता चलता है कि जो एंगल है वो आपने नीचे मेजर किया है, ऊपर मेजर किया है, और ऊपर है कहाँ पे। तो ये जो नेगेटिव सिंबल हमने लगाया ना फाइव वन के आगे, इसका रीज़न ये है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो एक तरह से वायर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से फाइव वन एंगल नीचे से लेके और फाइव टू एंगल ऊपर तक वो एक्सटेंडेड है, समझ में आ गया। तो अगर मुझे इस वायर का टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस वाले फॉर्मूले का, और इसके लिए फिर लिमिट्स क्या पुट करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि वायर कहाँ से कहाँ तक है, माइनस फाइव वन से फाइव टू तक। तो अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो उसके लिए माइनस फाइव वन से लेके फाइव टू तक इस डीबी का इंटीग्रेशन कर दो। आया समझ में, ये स्टेप समझने की थी, बाकी तो कैलकुलेशन है, बाकी अब मैथमेटिक्स है। समझना क्या था कि वायर कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है ना, फाइव वन से लेके फाइव टू तक है, और एक को हमने नेगेटिव सिंबल इसलिए दिया है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, माइनस फाइव वन से फाइव टू। अब डीबी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, लेकिन देखो हमेशा लिमिट उसी चीज़ की लगती है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, डी एल आर है ना, यहाँ पे लेंथ के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, लेकिन आपने लिमिट किसकी पुट कर दी, एंगल की। या तो लेंथ की लिमिट पुट करके सॉल्व करो, या इस फंक्शन को आप फाई की टर्म्स में कन्वर्ट करो और फाई के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करो, फिर ये लिमिट सही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको फाई की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि लिमिट्स हमको पता है ऑलरेडी कि माइनस फाई वन से फाई टू है। भाई आप जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हो ना, अगर हमने टाइम के रेस्पेक्ट में किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया तो लिमिट्स किसकी लगेंगी, टाइम की लगेंगी, इतने सेकंड से इतने सेकंड तक कोई चीज़ वेरी कर रही है या ऐड करनी है अपन को, तो ऐसा उठपटांग नहीं होता कभी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंथ के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, डी एल आ रहा है और यहाँ पे लिमिट फाइव की लगा दी, यहाँ पे या तो एल वन से लेके एल टू ऐसा कुछ लिखा हुआ होता तब सही होता, बात समझ में आ गई ना। तो अपन फंक्शन को क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसको फाइव के अंदर लेके आना है, तभी सॉल्व होगा ये। अब यहाँ पे जो चीज़ें कॉन्स्टेंट है उनको अलग कर लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है, ठीक है। डी एल को एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि डी एल तो एक एलिमेंट है, उसकी लेंथ कम ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल है ये। साइन थीटा यहाँ पे कॉन्स्टेंट है या नहीं है देखते हैं। चलो मान लो ये एलिमेंट यहाँ पे है तो ये एंगल कितना बना थीटा। अगर ये एलिमेंट यहाँ पे होता और इसके सेंटर से मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता तो उसके लिए भी एंगल ये थीटा ही बनता है क्या, अलग होता है ना कुछ एंगल। और ये एलिमेंट अगर एकदम सामने यहाँ पे होता और इसके इसके लिए अगर आप ये पोजिशन वैक्टर आर ऐसे ड्रॉ करते तो थीटा कितना होता, 90 डिग्री होता, बात समझ रहे हो। एलिमेंट की डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, और थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इस एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, तो साइन थीटा को भी चेंज करना पड़ेगा। डीएल को तो चेंज करना ही है, डीएल की जगह डी फाई आना चाहिए, साइन थीटा की जगह कुछ फाई की टर्म्स में कुछ आना चाहिए। आर की, आर यहाँ पे वेरिएबल है या कॉन्स्टेंट है, तो आर को भी चेक कर लो। आर यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस है, अब ये वाली डिस्टेंस भी बदलेगी अगर एलिमेंट की पोजीशन बदल रही है तो। अगर एलिमेंट यहाँ पे होता तो ये आर डिस्टेंस कुछ अलग होती,
और अगर एलिमेंट एकदम सामने होता तो आर एक इक्वल होता, ऊपर चला जाएगा तो आर कुछ अलग रहेगा, तो आर भी यहाँ पे वेरिएबल है। तीन चीज़ों को चेंज करना है, डीएल को, साइन थीटा को और आर स्क्वायर को, समझ गए। सबसे पहले डीएल की जगह डी फाइव लेके आना है। तो मैं इस ट्राइंगल को देख रहा हूँ, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल में देखो ये वाली लेंथ क्या है एल, ये वाली लेंथ है ए, ये वाली लेंथ है आर। ए हमको गिवन है, आर गिवन नहीं हमको, है ना। ए गिवन था कि वायर के परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ए हमको पता है। तो ए और एल के टर्म्स में आपको एक रिलेशन बनाना है ताकि मैं डी एल को डी फाइव में कन्वर्ट कर सकूँ, और साथ में फाइव भी आना चाहिए। तो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम देखें तो एंगल के सामने ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, क्या रिलेशन है दोनों में टेन थीटा, है ना। टेन फाइव लिख सकते हो, मतलब इसको टेन फाइव इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या लिखेंगे एल अपॉन ए लिखेंगे। एल इक्वल्स टू क्या आ गया ए टेन फाइव आ गया, ठीक है जी। हमको तो डी एल की जगह डी फाइव पुट करना था, अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे ताकि डी एल आ जाए, है ना। फाइव के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करो, क्या बनेगा डी एल अपॉन डी फाइव, यह आएगा ए, और टेन फाइव का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर फाइव। तो डी एल की जगह क्या पुट कर सकते हो ए सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव, क्या डी एल की जगह डी फाइव आ गया, आ जाएगा ना डी फाइव आ जाएगा इस पर, ठीक है। और फाइव के टर्म्स में हमको फंक्शन चाहिए था, तो ये जो सेक स्क्वायर फाइव आ रहा है इससे कोई दिक्कत नहीं है, फाइव के टर्म्स में फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। चलो तो एक चीज़ तो हमने कैलकुलेट कर ली, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ये लो जी। अब साइन थीटा को भी कन्वर्ट करो फाइव के टर्म्स में, अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो एक रिलेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 90। तो अगर मैं साइन थीटा को कैलकुलेट मतलब कैलकुलेट करना है मुझे फाइव के टर्म्स में, तो थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हो 90 माइनस फाइव से, मतलब साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस फाइव लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना। और साइन 90 माइनस फाइव क्या होगा कॉस फाइव होगा, इसका मतलब साइन थीटा रिप्लेस हो जाएगा कॉस फाइव से, तो साइन थीटा की जगह कॉस फाइव लिख देंगे, ये भी काम हो गया। आर को भी कन्वर्ट करो, वापस इसी ट्राइंगल में आते हैं, है ना। इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो साइड है ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब मुझे आर कैलकुलेट करना है, ए मुझे पता है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, बेस और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है कॉस थीटा, तो कॉस फाइव इक्वल्स टू क्या लिखूँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए अपॉन आर। बोलो आर इक्वल्स टू क्या आएगा ए अपॉन कॉस फाइव, जिसको आप ए सेक फाइव भी लिख सकते हो, आया कि नहीं आया। ये दूसरी चीज़ आ गई और ये तीसरी चीज़ आ गई, तीनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली कि किसको कैसे कन्वर्ट करना है फाइव के टर्म्स में। हर एक टर्म देखो फाइव में आ रही है, अब ये भी फाइव में है, ये भी फाइव में हो गया कन्वर्ट, और एक ये रहा ये भी फाइव में है, यहाँ पे पुट करो अब, ठीक है। तो बी इक्वल्स टू हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई, ये तो कॉन्स्टेंट है, इनको अलग कर लिया, माइनस फाइव वन से फाइव टू, और डी एल की जगह क्या पुट करना है डी एल की जगह लिखेंगे ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, साइन थीटा की जगह क्या पुट करना है कॉस फाइव, और आर की जगह क्या पुट करना है आर कहाँ गया ये रहा, आर की जगह ए सेक फाइव, तो स्क्वायर कर रहे हैं ना यहाँ पे, क्या आएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव, ठीक है जी। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, देखो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई, यहाँ पे ए स्क्वायर है यहाँ पे ए है, तो एक ए कैंसिल, एक तो ए बचेगा नीचे, और ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेक स्क्वायर फाइव ये तो कैंसिल ही हो गया, कॉस फाइव डी फाइव बचेगा, बाकी सब सॉल्व हो गया यहाँ पे, तो ये आएगा माइनस फाइव वन से फाइव टू कॉस फाइव डी फाइव, ठीक है। और कॉस फाइव का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस फाइव का माइनस आता है कि नहीं आता है, नहीं आता, कॉस फाइव का होगा साइन फाइव, ठीक है। तो बी इक्वल्स टू क्या लिखूँ म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए, ये आएगा साइन फाइव, ठीक है, और माइनस फाइव वन से लेके फाइव टू, सॉल्व करो इसको, बी इक्वल्स टू क्या आ गया म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है फाइव टू, तो साइन बन जाएगा फाइव टू, ठीक है। माइनस क्या करना है साइन माइनस फाइव वन, साइन माइनस फाइव वन, लेकिन साइन माइनस ऑफ थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो ये साइन माइनस ऑफ फाइव वन क्या बन गया माइनस साइन फाइव वन, और ये बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस, तो आंसर क्या आया यहाँ प्लस कर दूंगा डायरेक्ट,
ये लो यहाँ प्लस कर दिया, वो माइनस बाहर आ जाएगा इसके अंदर। तो फाइनली जो फॉर्मूला अपने पास आया, क्या फॉर्मूला आ रहा है अपने पास, ये वाला। तो ये फॉर्मूला आपको ये बता रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा वायर है जो कि फाई वन से फाई टू एंगल तक है, तो उसकी वजह से उसके परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए इंटू साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन। पहले लिख दो चाहे इसको, साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू बोल दो, एक ही बात है। आया समझ में? अब इसमें स्पेशल केस देखो, हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया था कि जो वायर है वो एक फाइनाइट लेंथ का है, मतलब फाई वन से लेके फाई टू एंगल तक है। हाँ, यहाँ पे याद रखना है कि आपको सिर्फ एंगल की वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में। यहाँ पे हमने नेगेटिव सिंबल लगा दिया है क्योंकि ये एंगल हमने नीचे की तरफ मेजर किया था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से नीचे। तो अब यहाँ पे जब आप फॉर्मूला यूज़ करो ना, तो दोबारा यहाँ पे माइनस सिंबल मत लगाना, ऑलरेडी लगा के सॉल्व कर चुके हैं। अब जैसे आपको बोला कि एक वायर है और ये उसके परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पे पॉइंट है, एक एंगल यहाँ पे 30 है, एक एंगल यहाँ पे 45 है, तो सीधा 30 और 45 पुट करके सॉल्व करना है, ठीक है। एक एंगल को नेगेटिव पुट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी पुट कर चुके हो, वो काम हो चुका है अपना, ठीक है ना। दोबारा मत पुट कर देना, नहीं तो माइनस में हो जाएगी एक टर्म, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना एक और चीज़ कि अगर वायर इन्फाइनाइट लेंथ का हो तब क्या करना है। हो सकता है ना कि वायर इन्फाइनाइट लेंथ का हो, आप सोचो आप यहाँ पे खड़े हो ऑब्जर्वर बनके और ये वाला जो सिरा है ये ऊपर जाता जाता इन्फाइनाइट पे चला गया, तो ये वाला जो एंगल है फाई टू ये कितना हो जाएगा उस कंडीशन में, ऑलमोस्ट 90 है ना, 90 से बड़ा नहीं होगा, ये इन्फाइनाइट पे जाएगा ना, तो ये एंगल ऐसे बढ़ता बढ़ता और ये ऑलमोस्ट 90 चला जाएगा। इसी तरीके से अगर ये वाला सिरा अगर नीचे इन्फाइनाइट पे चला जाए, तो हम यहाँ पे खड़े हो नीचे हम देख रहे हैं, तो ये जो नीचे वाला सिरा होगा ना एकदम, मतलब कि ये जितना नीचे जा रहा है, एक चीज़ यहाँ पे ये तो नोटिस कर ही सकते हो, ये जितना नीचे जाएगा ये फाई वन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ये इन्फाइनाइट पे पहुँच जाएगा तो ये बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 90, क्योंकि तब ये वाली जो लाइन होगी ना ये ऑलमोस्ट इसके पैरेलल आ चुकी होगी, है ना, ये इन्फाइनाइट पे जाके इसको कट करेगी। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ऑलमोस्ट 90 होगा, ये देखना है आपको दोनों एंगल। तो अगर वायर ऊपर भी इन्फाइनाइट तक है, नीचे भी इन्फाइनाइट तक है, तो फाई वन और फाई टू की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी होगी, 90-90 हो गई। अब साइन 90 कितना होता है, 1, तो दोनों वैल्यू अगर 90-90 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 क्या बनेगा, 2, 2 से ये कैंसिल होगी, आंसर क्या आएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, एक 2 कैंसिल हो गया ना, आया समझ में। अब इसमें भी एक स्पेशल केस हो सकता है कि वायर तो चलो इन्फाइनाइट लेंथ का है, लेकिन जो पॉइंट है जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो वायर के एक सिरे के पास में है। जैसे वायर है ये इन्फाइनाइट लेंथ का है, लेकिन कहाँ कहाँ पे इन्फाइनाइट, ऐसे नीचे तक जा रहा है इन्फाइनाइट तक, पॉइंट एकदम इसके सिरे के पास में ए डिस्टेंस पे है, ऊपर वायर नहीं है, तो वायर तो इन्फाइनाइट लेंथ का ही है लेकिन पॉइंट इसके एक सिरे पे आ गया, मतलब एक एज पे आ गया इसके, तो उस कंडीशन में ऊपर वाला एंगल तो गायब ही हो गया, एक एंगल क्या हो गया उसमें, 0, ऊपर तो वायर है ही नहीं। सोचो ये वायर ये सिरा आके यहाँ पे रुक जाए तो ये वाला एंगल कम होता होता कितना हो गया, 0 हो गया ना, एक एंगल कितना हो जाता है उस कंडीशन में, 0। अगर वायर इन्फाइनाइट लेंथ का है और जो पॉइंट है वो वायर के एक एज के पास में है, तो उस कंडीशन में एक एंगल आपको क्या लेना है, 90, और एक एंगल 0, तो उस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, तो साइन 0, जैसे ये 0 बन गया, साइन 90 1 बनेगा, तो 1 इंटू ये क्या बनेगा आंसर, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। आया समझ में? अगर वायर ऊपर भी इन्फाइनाइट तक है और नीचे भी इन्फाइनाइट तक है तब तो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अगर सिर्फ एक ही साइड में इन्फाइनाइट तक है और जो पॉइंट है वो वायर के एक सिरे के पास में है, तो फिर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। इसका यूज़ करेंगे, मैं आपको जो फॉर्मूले बता रहा हूँ ना दोनों, ये वायर इन्फाइनाइट लेंथ का होता है तो क्या करते हैं, ये ज़्यादा काम आता है, ये फाइनाइट लेंथ वाला जो केस है ना ये कंपेरेटिवली कम काम आएगा, मतलब ज़्यादा वो काम आता है कि एक वायर इन्फाइनाइट लेंथ का है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में वायर की लेंथ गिवन हो तब तो उसको फाइनाइट कंसिडर करना है, और वायर की लेंथ गिवन नहीं हो है ना तो उसको क्या मानना है, इन्फाइनाइट लेंथ का ही कंसिडर करना है। एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी, उससे समझ में आ जाएगा कि कब आपको इन्फाइनाइट लेना है और कब आपको फाइनाइट कंसिडर करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी समस्या, कोई भी डाउट, देख लो अच्छे से।